Hey guys, what's up? Namaskar, welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त, और आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूं। अभी बहुत ज़्यादा कुछ काम था यहाँ पे, और ऑनेस्टली आपको बताऊँ ना तो पता नहीं क्यों कुछ दिन से ना मतलब लाइक मेरे को ऐसा सब फील हो रहा है कि व्लॉग वगैरह से थोड़ा बुरा हो। ठीक है, लिमिटेड डालो, मैं पहले की तरह उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ। थोड़ा दूसरे काम पे, दूसरे प्रोजेक्ट पे मेरा दिमाग आजकल चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी एक गाड़ी का भी प्लान चल रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी एक नई गाड़ी आई है हुंडई की, तो सोचा कि वो आप सभी से दिखाऊँ। आप लोग बने रहो और मनीषा को भी लेके आता हूँ, फिर उसके बाद से अपने एजेंसी चलेंगे और वहाँ पे फिर जाके गाड़ी को शूट वगैरह करके जो भी होगा आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जस्ट टुक द शावर और अभी नहा वहा करके रेडी हो गया हूँ काइंड ऑफ। तो रेडी क्या मतलब, अभी मनीषा टी शर्ट देना, और यहाँ पे बारिश जो हो रही है, बारिश यार हो रही थी, अभी तो थोड़ा कम हो गया बारिश, पहले ज़्यादा बारिश थी। मैंने सोचा कि चलो आपसे कुछ बातें करते हैं, तभी गाड़ी देखने भी जाना। मनीषा को बोला मैं, मनीषा फटाफट चलो रेडी हो जाओ, गाड़ी एक बार देख के आते। अभी मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ, आपको पता लग रहा होगा। तो फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि ब्लॉगिंग आजकल थोड़ा मैं जब घर गया ना यहाँ से बिहार, तभी से मैं उतना लाइक ब्लॉग वगैरह करने का वो नहीं हो रहा है, मन सा नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जब अपन कोई चीज़ अच्छा भी करते हैं तो उसके बावजूद भी कुछ लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। एंड यू नो व्हाट, कि जब भी अपन काम करते हैं ना और उसमें हमें अगर लाइक सपोर्ट मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, तो हम लोगों के अंदर एनर्जी डबल आ जाती है। बट कुछ दिनों से ना ऐसा एकदम नेगेटिव सा एनवायरनमेंट बना हुआ है आसपास में। वो एक आध ब्लॉग जो डाल भी दिया हूँ ना, वो भी आप समझो कि बिना मन से डाल दिया हूँ। झूठ क्यों बोलूँ मैं आपसे, बिल्कुल थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर ना, अभी मैं स्कूल वगैरह पे मेरा प्रॉपरली लाइक वहाँ पे बातचीत चल रहा है, स्कूल पे गाइडेंस में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, फिर स्कूल से रिलेटेड, ड्रेस से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड इधर उधर कहीं जा रहा हूँ। कुछ और भी प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू करने हैं, जो इस पर भी काम चल रहा है, बात चल रहा है, जिसकी वजह से अभी अपना ट्रैवलिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत हो जा रहा है मेरा। और मनीषा को लेकर मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था, तो और वैसे ही थोड़ा सा फीका सा लग रहा था, आप लोगों को भी ब्लॉग में लग ही रहा होगा। बट कुछ ऐसे से कमेंट्स भी आए ना लेकर के, कि लाइक तुम मम्मी पापा के साथ घूमने नहीं गए, उनका इतना मन था वगैरह वगैरह, नेपाल में वो लोग फंस गए। देखो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी उनसे डेली एक दो टाइम बात हो ही जाती है। मैं इस चीज़ को मैं कैमरे पर नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी जो रेगुलर लाइफ में चल रहा है वही नहीं दिखा पा रहा हूँ। वीडियोस में मेरे को आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, बट मैं सीरियसली अभी शूट नहीं कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से, जब से मैं यहाँ से घर गया हूँ ना, कब गया था मैं घर, तो तब से ही ना मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस सा चल रहा था, मन सा नहीं हो रहा था। मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स वगैरह, मैं इनफैक्ट जॉब्स भी बहुत अच्छे पैकेज पे मिल रहा था, जिससे मैं आराम से अपनी लग्जीरियस लाइफ तो जी ही सकता हूँ जॉब करके भी। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार जॉब ही कर ले क्या। फिर मेरे को ये भी लगा कि यूट्यूब चलता रहेगा साथ पैरेलली, फिर मैं बोला कि नहीं कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब कुछ दो चार दिनों से ना यही चल रहा है दिमाग में, कि कुछ करते हैं। और अभी इस मोड पे ऐसे खड़ा हूँ ना मैं, कि मुझे लाइक अपना, आप जैसे सबको पता ही होगा कि सारा डिसीजन जो भी होता है मुझे खुद ही स्टेप लेना पड़ता है, खुद ही सोचना पड़ता है। लेकिन एट टाइम्स हम लोग फील हो, एक टाइम ऐसा आता है ना कि फील होता है कि यार कैसा मतलब चल रहा है सब कुछ। तो वही सारी चीज़ को अभी मैं प्लान कर रहा था कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन फिर मैंने बोला चलो व्लॉगिंग तो अपना अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को वो नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाँ अब मेरे पिछले आई थिंक 700 या 800 लगभग 900 हज़ार दिन हो गए होंगे, जिस दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन वीडियो नहीं आया होगा। हर दिन लास्ट 1000 डे से, चाहे जितने भी मर्जी अप्स एंड डाउन्स आए ज़िंदगी में, वीडियोस डेली आए ही हैं। एटलीस्ट एक आया है, वो तो आया ही है। अभी तो पिछले कुछ दिन से एक ही ब्लॉग डाल पा रहा हूँ, ज़्यादा डाल भी नहीं पा रहा हूँ,
लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, अपने आप को पंपअप करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी में रखना पड़ेगा। अब एक्चुअली मैं दूसरे काम में ज़्यादा फोकस्ड हो गया हूँ, उसलिए भी मेरा शायद ब्लॉगिंग में ये ना लग रहा हो। तो मैं ये सोच रहा था कि यार डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन 3 दिन में एक ब्लॉग ज़रूर ले आऊँगा। और फिर कभी कभी दिमाग में चल रहा है नहीं, थोड़ा तो मेहनत की बात है। तो अभी मैं ना पूरी एक टीम को प्रॉपर सेटअप करूँगा इस चीज़ के लिए, और क्योंकि मेरे पास वर्कलोड अभी ज़्यादा है, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है, बहुत पैरेलली चीज़ों को लेकर के चलना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, सारा कुछ इकट्ठे करेंगे और नो डाउट अच्छा खासा हम लोग काम कर भी सकता हूँ। तो कमेंट्स था कि मम्मी पापा को लेकर के आप नहीं गए, तो पहली बात ये, बहुत सारे लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि मनीषा का जो क्लास है वो अनाउंस हो चुका था। जब ये क्लास करने गई है कॉलेज, उस दिन पता लगा कि कॉलेज का रूल चेंज हो गया है। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में भी बताया था कितने प्रोटेस्ट हुए थे, कितने बच्चों ने वो किया हुआ था। कॉलेज के रूल्स क्या है ना कि अब नया रूल आया हुआ है कि अगर कोई एक दिन एबसेंट करता है उसके 1,000 रुपये फाइन लगेंगे। अब ये पता नहीं ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन अनऑफिशियल वगैरह जो भी आया, तो इस तरीके से बच्चों को कुछ भी आप ऑन द स्पॉट अगर रूल्स आ जाओ खुला है, ऑन द स्पॉट अगर आप कुछ भी रूल्स वगैरह दे देते हो, कोई चीज़ अगर आप बोलते हो, तो किसी के लिए भी ट्रबलेंस का एक रीज़न हो सकता है। अभी देखो मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी आ गया, बनाना शेक और सैंडविच। लगभग 11 बज रहे होंगे, टी शर्ट मांग लो, जल्दी से गाड़ी का वो करके आते हैं, देख के आते हैं। तो नहीं, गाड़ी लॉन्च भी हुई थी, गाड़ी एक छोटी लेनी थी क्योंकि बड़ी गाड़ी लेके बार बार हर जगह ट्रैवल करना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी भी देखते हैं। तो कॉलेज में कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से पता लगा कि इसके क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो 2-3 दिन बाद आएगा। तो हम लोगों ने बोला कि चलो 2-3 दिन हमारे पास टाइम है, और मुझे पता था कि आराम से 4-5 दिन लगा देते हैं, क्योंकि कॉलेज का जो है ना, बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, पता नहीं अब कैसे मैनेजमेंट हो गया है, बिल्कुल मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो वैसे ही घर चले गए हैं। फिर अब मेरा भी हुआ तो मैं थोड़ा काम था, तो मैं घूमने फिरने गया और अपना जो भी काम था मैं उसको देखा। तब तक मनीषा को सबने टारगेट कर दिया कि ये वहाँ नहीं जाती, यहाँ नहीं जाती। तो यार हमारी ज़िंदगी है, हमें पता है कि हमें कब क्या कैसे करना है, और हम बखूबी अपने ज़िंदगी में करते हैं, और आई थिंक माता रानी के आशीर्वाद से ना हम ठीक ठाक भी हैं। अब कुछ अननेसेसरीली पोक करना, लोग अननेसेसरीली उसको इंटरेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कहीं ना कहीं बंद कर दो डोर को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है ना, मन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। और मेरे को लगता है अरे यार क्या पचड़ सा इसमें लगे हो, अपना कुछ और करते हैं, मेहनत करते हैं। और क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है ना, मैं जिस फील्ड में जो भी काम करूंगा ना, मुझे पता है मैं कुछ कर लूंगा अच्छे से। फिर मैंने बोला कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी एट द सेम टाइम पैरेलली दिमाग में चल रहे हैं। और अभी बहुत कुछ मैंने काम किया, बहुत गाड़ियाँ देखी, कुछ काम देखा, बहुत सारी चीज़ जो मैं दिखा सकता था आप लोगों को, लेकिन मैंने शेयर करना कुछ उचित नहीं समझा। तो मैं अभी ये कोशिश करूँगा कि मैं बहुत लिमिटेड हद तक जो चीज़ मुझे लगे मैं वही शेयर करूँगा, और मैं घर की कोई भी बात शेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरी क्या बात होती है नहीं होती है, जिससे आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये बात नहीं करता है या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी इनफैक्ट बात होती है हमारी, और डेली बात हो जाती है, इसमें ना बात होने वाली कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वो नेपाल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इनफैक्ट वहाँ तक भी जो सॉल्यूशन होना था मेरे से जो हुआ मैंने वो भी किया, लेकिन मैं वीडियोज़ में नहीं दिखाऊंगा और ना ही वो लोग मेरे बारे में कुछ दिखाएंगे। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ अगर आप इधर उधर देखते हो तो पीपल अननेसेसरीली उसको जज करने लगते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। अरे भैया, हमारी ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी मिली, हमें जीना चाहिए। हम अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में तड़प रहे हैं, हम तरस रहे हैं, हम किसी से एक पैसा एक सिक्का नहीं ले रहे हैं, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। मेहनत, अब बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि अरे तुम तो यूट्यूब के दम पे कर रहे हो, तो करो ना भैया, आप भी यूट्यूब के दम पे करो, आप दूसरों को बोलने से अच्छा आप भी करो। यूट्यूब तो एक आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, वो सबके लिए ओपन है, आपके अंदर है, आपके आपको अगर लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लगता है कि अगर आप ठान लोगे कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर लोगे, ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा तोप नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप डिटरमाइंड अगर नहीं होंगे तो नहीं काम कर सकते हैं। मेरे अंदर चलता है कि नहीं मुझे ये काम करना है और मैं वो चीज़ सोचता हूँ तो मैं वो काम करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पैरेलली चल रही हैं, सब कुछ एक एक करके धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगा। व्लॉगिंग वगैरह बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, सारी लाइफ मतलब मैं व्लॉगिंग की भी जी के देखा, और अच्छा है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। अब लोग कनेक्टेड होते हैं तो अगर हम मिलने भी जाते हैं, कोई बुलाता है बहुत प्यार से, अगर देखो हम किसी के घर नहीं जाए ना और वो हमारे घर आते हैं, तो हमें भी एक तरह से चुभन होती है कि यार वो भी, उनको भी चुभन होगी सामने वाले को कि यार मैंने इतने प्यार से बुलाया, वो आए नहीं एकदम घर के पास से आके।
तो अभी मेरे को बहुत सारी जगह जाना था, लेकिन कुछ लोग कमेंट ऐसे आने लग गए कि अरे ये तो दूसरों के घर का खाता है वगैरह वगैरह, तो मुझे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर थोड़ा सा दिमाग में चलता है ना कि यार अपना टाइम भी मैनेज करना है, अपना सब कुछ देखना है, और जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे प्यार करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा बहुत अंदर से गिल्ट ना लगे, इसलिए मैं उनको फ़ोन करके मैनेज करता हूँ या जो भी है। अभी मेरे को बहुत सारी जगह जाना था, दो तीन लोग और नाराज़ हो गए, मैं गया नहीं, नहीं तो लोग अभी और वो करते कि यार ये बंदा मतलब कैसे। दिक्कत ये नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, दिक्कत ये है कि ये मैनेज कैसे कर रहा है, और मेरे को सामने से बोल दिया गया है कि यार ये अच्छा नहीं लगता कि तुम सबसे ज़्यादा मैनेज कर लेते हो, कुछ लोगों ने सामने से ही बोला है, तो अच्छी बात है सामने बोलते हैं, लेकिन वो एट द एंड मेरा अपना स्टेप है, मुझे अपना काइंड ऑफ स्टेप लेना है कि क्या करना है नहीं करना है, और मैं अपने तरीके से बहुत ठीक ढंग से कर लूँगा सारा कुछ। अभी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, ऑनेस्टली आपको बताऊँ, टफ टाइम इन द सेंस मुझे ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, ना कोई ऐसा मेंटल क्राइसिस चल रहा है, बस मुझे अभी मेहनत वाला क्राइसिस है, मेहनत बहुत करना है लेकिन मैं मेहनत कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं साइमल्टेनियसली जो चल रही हैं। लेकिन हाँ, माता रानी है, एक बार मेरा मन तो कल रात को कर रहा था कि मैं वैष्णो देवी भी चला जाऊँ, माता रानी से मिलूँ, या कामाख्या देवी मंदिर जाऊँ, गुवाहाटी जाऊँ, बहुत दिन से चल रहा है दिमाग में, तो धीरे धीरे मैं टाइम निकाल के जाऊँगा, और मनीषा को हर जगह कोशिश रहेगी कि जब वो जा सकती जाए, अब क्योंकि अब उसके भी क्लासेस वगैरह उसको जाने होंगे, जैसा भी नोटिफिकेशंस आएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी दिमाग में यही चल रहा है कि एकदम मस्त सुकून की ज़िंदगी जियो, सुकून से रहो, और ब्लॉगिंग वगैरह मैं कोशिश करूँगा कि आए डेली, एक दो मैं लड़कों को भी बोलूँगा, लेकिन दिमाग में ही चल रहा है एट द एंड कि मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ जैसा करना चाहिए, अभी मेरे को इतने सारे वीडियोस देने हैं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ काम, लेकिन सब करेंगे धीरे धीरे, है ना। आप सभी भी धैर्य बनाए रखो, खूब सारा प्यार ऐसे ही रखो, और आप सभी भी कमेंट में सजेशंस देना कि क्या करना चाहिए, और मनीषा मेरा नज़र उतारने के लिए भी लेके आई है, नहीं, क्या नहीं लाई है, चीनी है, हाँ, इधर चीनी तो बादाम चिकन डाली नहीं है क्या, है, डाल दिए हैं। मेरा मैं बहुत टेस्टी खाना लग गया इसीलिए चीनी। अच्छा, चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, बाय।